हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 21st of March और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और साथ ही वर्ल्ड पोएट्री डे। चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। इस वर्ष ईयर 2023 की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ और इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय रिजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन 28 नवंबर 2013। और ये हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों के मध्य अवेयरनेस फैला सकें ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। अगर फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज दे प्योरीफाई द वाटर, क्लीन एयर, कैप्चर कार्बन टू फाइट क्लाइमेट चेंज, प्रोवाइड फूड एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड ऑल्सो दे इम्प्रूव आवर वेलबींग। इट्स अप टू अस टू सेफगार्ड दीज प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 21 मार्च को और इस वर्ष की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। नेक्स्ट हम 21 मार्च को ही वर्ल्ड पोएट्री डे भी सेलिब्रेट करते हैं और इसको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा इन 1999 और इसका एम है सपोर्टिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थ्रू पोएटिक एक्सप्रेशन एंड इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडेंजर्ड लैंग्वेज टू बी हर्ड। इसके साथ ही 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी मनाया जाता है और इसको शुरू किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1966 से। बढ़ते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का मेजबान है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, वाराणसी या अहमदाबाद और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और इसको इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। आपसे पूछा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ MSME और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव टू 952 बाय 2036। इन्होंने बताया कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा जाएगा सेक्स रेशियो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of 5th Poshan Pakhwada which is being organized from 20th March to 3rd April 2023? आपसे पूछा जा रहा है 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक आयोजित होने वाले 5वें पोषण पखवाड़ा का थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, लीव नो वन बिहाइंड, न्यूट्रिशनल फूड टुडे या ग्रो नरिश एंड सस्टेन और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। ये इस वर्ष का थीम है और इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसका एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स थ्रू जन आंदोलन एंड जन भागीदारी। पोषण अभियान की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था बाई PM नरेंद्र मोदी इन 2018। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इज आर करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन से संबंधित कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट सिलीगुड़ी इन इंडिया विद
पर्वतीपुर इन बांग्लादेश. सेकेंड, इट इज़ द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. ये फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और साथ ही ये कनेक्ट करेगा सिलीगुड़ी को पर्वतीपुर जो कि बांग्लादेश में है. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इन विच सिटी हैज एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2023 बिगन. आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला आहार 2023 किस शहर में शुरू हुआ है. आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, बीकानेर, जोधपुर या राजकोट. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. नई दिल्ली में आहार 2023 का आयोजन किया गया है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच सिटी रिसीव्ड द हेल्दी सिटी अवार्ड फॉर इट्स स्मोकिंग लॉज. आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को उसके धूम्रपान कानूनों के लिए स्वस्थ शहर का पुरस्कार हाल ही में दिया गया है. आपके ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. बेंगलुरु को उसके स्मोकिंग लॉज के लिए हेल्दी सिटी अवार्ड प्रदान किया गया है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023. आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस देश ने भारत के साथ युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भाग लिया है. आपके ऑप्शन है फ्रांस, यूएसए, जापान या रशिया. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इसमें इंडिया के साथ यूएसए ने पार्टिसिपेट किया है. सी ड्रैगन एक्सरसाइज की बात करें तो इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज विद पार्टिसिपेशन ऑफ नेवी फ्रॉम इंडिया, यूएसए, जापान, कनाडा एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया. तो इसमें बहुत सारे देश की नेवीज शामिल हैं जिसमें है इंडिया, यूएस, जापान, कनाडा और रिपब्लिक ऑफ कोरिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑकस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं AUKUS. इससे संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर इंडो पैसिफिक बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. सेकेंड, इट वॉज साइंड इन 2022. थर्ड, द मेजर हाईलाइट्स ऑफ दिस अरेंजमेंट इज द शेयरिंग ऑफ यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया. फोर्थ, दीज थ्री कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस अलॉन्ग विद कैनेडा एंड न्यूजीलैंड ऑलरेडी शेयर एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस थ्रू द फाइव आईज अलायंस. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी. इसे साइन किया गया था 2021. बाकी आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है फॉर इंडो पैसिफिक रीजन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. जोजीला पास अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है. आपको बताना है जोजीला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. आपको बताना है कि जोजीला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है. आपके ऑप्शन हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. जोजीला पास जम्मू एंड कश्मीर में. अभी हाल ही में बीआरओ ने जोजीला पास को ओपन किया है फॉर 68 डेज, और ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को कारगिल और लेह हाईवे से. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. चूज इनकरेक्ट पेयर अमंग दीज. एक तरफ डेज दी गई है और एक तरफ उनकी थीम दी गई है. ये अभी की थीम है ईयर 2023 की, और आपको बताना है इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है.
फर्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सेकंड नेशनल सेफ्टी डे और थीम है आर एम जीरो हार्म। थर्ड है नेशनल नो स्मोकिंग डे और उसकी थीम है क्विट एंड विन। इसके साथ ही इंटरनेशनल वुमेंस डे का है जेंडर इक्वेलिटी। आपसे इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो हम मनाते हैं 8th of March को, इस वर्ष उसकी थीम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। इसके साथ ही नेशनल सेफ्टी डे की बात करें तो वो हम 4th of March को मनाते हैं और इस वर्ष थीम है आर एम जीरो हार्म। इसके साथ ही नेशनल नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है 8th of March को, जिस दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और इस वर्ष थीम है क्विट एंड विन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है 3rd of March को और इस वर्ष उसकी थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।